और आप देख लो जरा मेरी कैंडी को, वो ये बड़ी अनकंफर्टेबल है यार ये तो। अच्छा पापा को दिखा दो, अविनाश को दिखा दो, फिर आप उतार देना। ये मेरी दोनों गुड़िया कैसी लग रही है। घाघरे के लिए लड़े हैं दोनों। ये कैंडी पता क्यों लड़ी है? क्योंकि चेरी ने भी घाघरा पहना हुआ है, ये इसलिए लड़ी है। काय भैया बेबी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और आज अकेले आपको दिवाली की विशेष मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि संभावना जो विशेष देगी वो अलग से देगी, क्योंकि संभावना हुई है पूरे तरीके से तैयार। मेरे लिए बहुत लड़ाई हुई कि मैं भी कुर्ता पजामा पहन लूँ, लेकिन मैं शाम तक ना फिर मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, इसलिए मैं शाम को ही रेडी हूँ। लेकिन संभावना सुबह सुबह दिवाली के ओकेजन पे तैयार हुई है और क्या लग रही है, इसलिए मैंने कहा कि भाई साहब संभावना का इंट्रोडक्शन तो अलग कराना चाहिए। तो ये रही संभावना आपको विश करने के लिए तैयार। एक्चुअली मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने सलवार कमीज ही पहना जो कि पुराना ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बट मैं थोड़ा सा ऐसे इजी रहना चाहती थी, आज दिवाली के मौके पे कहीं ऐसा जाना नहीं है, एज इन किसी से मिलना नहीं है, कोई आएगा नहीं। लेकिन कितनी सुंदर लग रही है बेबी, कैसा लग रहा है? चूड़ियों के कॉम्बिनेशन से लेके दुपट्टे का जो तुमने कॉन्ट्रास्ट कलर चूज किया है, कानों का मैच नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है कानों का मैच हो रहा है। हाँ हाँ कितना अच्छा है कानों का, दिखाओ एक सेकंड, ये देखो बहुत ही अच्छा है बेबी, अच्छा लग रहा है, ये तो किसी पे भी मैच होगा। और इसके जो डिजाइन है उसकी वजह से भी तुम कितनी पतली लग रही हो पता है इसमें, और लग रहा है तुमने रात भर में 5 किलो लूज किया वेट। मैंने खूब खाया रात को, आधी रात को उठ के मिल्क केक खाया मैंने। तो अभी जो हमें बाहर जाना है ना वो मिठाई लेने जाना है, क्योंकि कल जो हम मिठाई लाए थे सुबह 5 बजे उठ के इसने पूरा कलाकंद खा लिया। ये दुपट्टा ये इसका है नहीं, इसका दुपट्टा गोल्डन है, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ, पता नहीं मैच करेगा नहीं करेगा, लेकिन अविनाश कह रहे हैं कि ठीक लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन कौन मुझे बोलेगा कि मैच नहीं कर रहा, मैडम चेंज करो। और आप लोगों को चलो एक बार अच्छी तरह से दिवाली की विशेष दे देते हैं, आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो साल है वो मंगलमय रहे, लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करे जैसे हमारे घर में भी करेंगी आज, और आपको खूब धन की बरसात हो। और आज दिवाली के मौके पर दिवाली के बहाने हमारे घर के 2 कुत्ते नहा भी लिए। हाँ हाँ। कोको नहा चुका है, कोको हैप्पी दिवाली बोल दो। ना जी वो सो गया। और ये अपना सफेद हाथी, और ये रीच कहीं की हैप्पी दिवाली चेरू, ये नहीं नहाई ना, ये नहीं नहाई, ये क्यों नहाएगी भाई, क्यों नहाना है हमें, हम नहाने की जरूरत ही नहीं है, तो अच्छे चुंदर चुंदर लगते हैं, अभी इनको आके तैयार करती हूँ। आज कम से कम बाहर जाने के बहाने अंडा पोहा, पोहा अंडा से छुटकारा मिलेगा, कुछ अच्छा खाएंगे बाहर, सैंडविच खाएंगे, घर में नहीं मिलता ना, घर में कल ही टोस्ट खाया तुमने। देख रहे हो आजकल मैं बिल्कुल भी वाला मेकअप नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं, आप लोग भी बताना, मुझे ऐसा वाला लुक ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक सिंपल लाइट लग रहा है, वरना बहुत हैवी हो जाता है ना, आंखें भारी भारी हो जाती हैं, आंखों पे मैंने ना थोड़ा सा बस ऐसा हल्का सा ऐसा ग्लिटरी वो टच दे दिया, दैट्स इट, बाकी सिंपल ही रखा है। चलो बेल्ट नहीं लगाऊंगी तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी दिवाली का मतलब थोड़ी चलान नहीं कटेगा। चलिए जी सबसे पहले कॉफी पी लेते हैं, नाश्ता पानी कॉफी सब हो चुकी है, अब जा रहे हैं हम लोग, क्या करने, थोड़ी मिठाई खरीदनी है और फ्लावर्स भी लेने हैं। निकल गए हैं लोखंडवाला से, कुछ चीजें खरीदी गई हैं, आगे बॉक्स दिखा दीजिए, एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी मिठाई लेने, फ्लावर्स फिर मेरे बेबी ने नहीं लिए हैं, हमारे कान में ऑलरेडी दर्द हो रहा है, बापरे 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 बाप, बेबी इतना रश, ओ अब क्या करें, मैं गाड़ी रोक के भी क्या करूंगी, लाइन में लगना पड़ेगा, तुम शाम को जाके ले आओगे तो लाइन में तो मुझे भी लगना पड़ेगा, शाम को ले आना ना, शाम को कोई नहीं होगा, चलो देखते हैं। तो बड़ा दिक्कत हो गया बेबी, ये तो चाहिए ही चाहिए। भैया फूल माला कितने की है, ये एक ये निकालो, कमल का फूल है क्या, शाम को मिलेगा। अरे अमिता तो एकदम चमक रही है, अरे ये तो बहुत सही ऑल्टरेशन हुआ है, अमिता का सलवार कमीज मुझसे ज्यादा जगमगा रहा है, मेरा तेरे सामने कुछ भी नहीं लग रहा भाई, तेरे एक्चुअली ये वाले जो होते हैं ना ये चमकते भी बहुत है, और तेरे कान के कहाँ है, कान का है लेकिन पहनी थी थोड़ी देर में उतार दी मोटे, अच्छा ये मेरी तरह ही है इसका मतलब, मैं भी कान के उतार दी, मैंने भी गई थी निकली थी तो कान के पहने हुए थे और अब निकाल दिए, दिखा मैं पहन लू क्या फिर, भाई अमिता कितने सुंदर लग रहे, तूने पहने क्यों नहीं हुए, ला मेरे को पहना दे फिर, पहना देती हूँ ना, देखो अविनाश कितने सुंदर लग रहे हैं जो मैं अमिता के लिए लाई हूँ, और ये खुद कह रही है मेरे को लटक रहे थे तो मैंने पहने नहीं, पहन अमिता तू नहीं पहनेगी तो फिर मैं पहन लूंगी, थोड़ी देर पहन ले फिर उतार देना, फिर शाम को पहनना, अभी रंगोली भी तो बनानी है हमें। अमिता किधर इसमें भार है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं अभी तो पहन ले, दोबारा पहनूंगी कि नहीं, क्यों मैं मारूंगी तेरे को, क्यों नहीं पहनेगी तो दोबारा, चल कॉफी पीते हैं थोड़ी थोड़ी, अभी तुम दोनों को फेल करेगी मेरी कैंडी, हाँ जब ये तैयार होगी, अरे भाई कितनी बार देखूं, अब क्या करूं आंखें रख दूं टेबल पे की देखती रहेंगी, पति हमेशा
हमेशा अपनी पत्नियों की बार बार तारीफ करते हैं, तुम एक बार भी नहीं करते हो। भाई जितनी बार मैंने कर दी ना उतनी तो हिंदुस्तान के आज सारे पति मिलके नहीं कर पाए होंगे। अब क्या कर दूं, आवाज रिकॉर्ड करके लूप पे चला दूं क्या टेप रिकॉर्डर में? तो मैं और अमिता थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, रंगोली बनानी है ऐसा अमिता कह रही है। मुझे तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन अब कोशिश करूंगी। एक तो हम लोग इस साइड पे बना देते हैं और एक इधर को बनाते हैं, और क्योंकि बीच में से तो माता के पैर जाएंगे, अगर हमें चाहिए तो हम एक इधर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ कोको खराब कर देगा, तो बस इस पे छन ऐसे करना है। हाँ। हो जाएगा, अपने से हो जाएगा। हाँ। उठाएंगे तो पता लगेगा भाई, उठाऊं? अच्छा से नहीं हुआ है, देखते हैं। अरे भाई बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिता और मैं ऐसे पागलों की तरह खुश हुए जैसे पता नहीं कौन सा किला फतह कर लिया हमने। अच्छा तो लग रहा है देख। रंगोली के डिजाइन सखी सीख लो मुझसे। अच्छा आई थी बड़ी, मैं करूंगी करवा मुझसे रही है। आपको भी तो अच्छा लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सोची थी कि मैं ही खुद कर लूंगी। कोई बात नहीं, तेरी बारी आ रही है। अरे वो डर लग रहा है, डर लग रहा है। ओए होए, अरे ये ऐसा बनने वाला था? ऐसा लगा बेबी? बहुत अच्छा यार, इधर से आके देखो। मेरे को तो लगा कि यार वो इतनी छोटी सी छन्नी है उसमें से क्या बनेगा। मैं तो जब छन्नी के लिए है, फिर ये मैंने बनाया है। ये हाथ से बनाया हुआ है? हाँ, तो हाथ से पता नहीं चल रहा। ये तो टेढ़ा सा कुछ अंडा दिखा है। कोशिश कर रही हूँ बेबी। लेकिन अच्छा है बेबी, अच्छा लग रहा है। ड्रॉइंग बुक कर करके तुम्हारा थोड़ा हाथ अच्छा हुआ है। तुम ये देख रही हो, ये दोनों कितने ध्यान से देख रही है। ये यहाँ बैठी हुई है, इन दोनों को कॉन्सेंट्रेशन। दोनों सोच रही है गेट पे क्यों बैठी हुई है, वो कितना खुश है कि मैंने कुछ किया है। हाँ। वो मेरे को वो कर रही है, अप्रिशिएट। हाँ, अप्रिशिएट कर रही है, मेरी दो राजकुमारी है। वाह बेबी, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है यार। अच्छा लगा, पहली बार मैंने मेहनत करी है, छोटा बड़ा हो गया, उल्टा सीधा हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश करी है। नहीं नहीं अभी बहुत सुंदर लग रहा है, दर्शक देख लो तुम्हारा। ये कितने एक्साइटेड है कि मम्मी ने कुछ बनाया है, इनका मुंह देखो ना दोनों का। हाँ, वो अप्रिशिएट कर रही है दोनों। दोनों किसे दिख रही है? मम्मी बहुत प्राउड फील कर रही है मेरे पर, ये हमारी मम्मी ने किया। अच्छा जाएगा उसी के बिस्तर पे। बेबी कैसे अप्रिशिएट करती है, देखा है? देखो पूछ भी हिल रही है उसकी। मम्मा की रंगोली पे तो उन्होंने दर्शक बने हुए थे। आप लोगों को बता दूं कि दिवाली के दिन ये जो औरत है ये एक घंटा सोई है। हेलो, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोला। मैंने हार्डली 20 मिनट और मैं लेटी हूँ, मैं सोई भी नहीं हूँ, और मैंने अपने आप को अभी तक तैयार भी नहीं किया। यार मेरे को जो इतना बोल रहे हो, तुम अपने बारे में बात करो ना, जिसने कपड़े तक नहीं बदले हुए दिवाली पे। मैं तो अभी पूरा तैयार हूँ, पूरा फ्रेश हूँ अच्छे से। इसको कब से मिठाई लाने के लिए बोला, अभी तक मिठाई नहीं लेके आया। अब ये कॉफी पिएगा और मैं ना लिटरली तुम्हें ना ऐसा निकाल दूंगी बाहर, धक्के मार मार के ऐसे। एक तरफ से अमिता मारेगी, दूसरी तरफ से मैं, वरना मैं कोको से कटवाऊंगी तुम्हें। कॉफी पिए और फिर तैयारी करें। चोनी जा पारी भी जा। शाम के बज रहे हैं 6:30 और ये है मेरी हालत, घर में एक टुकड़ा भी मिठाई नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सबसे पहले मिठाई लेने, आके मिलता हूँ आप लोगों को। मिठाई वाले आ गई, मिठाई वाले। पूजा भी शुरू करनी है, सारी तैयारी कर दी है। आपने एक डब्बा बोला था लेकिन हमको टेस्ट इतना अच्छा लगा कि हम दो डब्बा ले आए। मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ क्या? हाँ, तुम मेरी कॉपी कर रहे हो। आई डोंट फॉलो पीपल, आई एम अ लीडर। तुम जाके अंदर पहले चेंज करो बेबी। बेबी क्या हो गया तुम्हें, चेंज करो। मेरे को 10 मिनट दो, चेंज वेंज करके सब करके मैं आ रहा हूँ, एकदम रेडी। मैंने अपने कान में दोबारा पहन लिए हैं क्योंकि अब पूजा का वक्त है, अब तक मंगलसूत्र वगैरह पहन के मैं तैयार हूँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ, चेरू बाबा ने भी ये पहना हुआ है, कितना कुछ कुछ लग रहा है चेरू बाबा। और इनफैक्ट मेरी कैंडू ने भी गले में घाघरा पहना है, चोली नहीं थी ना, और नीचे जैसे इसको लगा रही हूँ ना घाघरा, तो ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जा रही है, मैं देख रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी अनकंफर्टेबल ही है, मैं देखूंगी अभी थोड़ी देर और कितनी देर पहनती है ये। अगर पहन के ये अनकंफर्टेबल हुई तो फिर मैं उतरवा दूंगी। और यहाँ पे अमिता कर रही है दिए तैयार, इसको भी दिल में बोल बोल के थक गई, दिए तैयार कर ले फाइनली। अब जाके इसने दिए तैयार किए, मालूम नहीं क्यों दिन भर से बैठी हुई थी। तो चूंकि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो मैं अभी पी रही हूँ चाय, और आप देख लो जरा मेरी कैंडी को। ओ ये बड़ी अनकंफर्टेबल है यार ये तो, ला जरा अमिता इसको ठीक से बांध दो। अच्छा पापा को दिखा दो, अविनाश को दिखा दो, फिर आप उतार देना। आ कैंडू इधर आ। हले मेला बच्चा, ये मेरी दोनों गुड़िया कैसी लग रही हैं? वो देखो लड़ गया। अरे घाघरे के लिए लड़े दोनों, उसको ना मिलाऊं मैं।
ये कैंडी पता क्यों लड़ी है? क्योंकि चेरी ने भी घाघरा पहना हुआ है। ये इससे लड़ी है। काय भैया? बेबी ये कैंडी चेरी से लड़ी है क्योंकि चेरी खूबसूरत लग रही है ना, तो इसको जलन हुई है। मैंने अभी भी चेरी को प्यार किया था। और मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत स्मार्ट लग रहे हो बेबी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पीछे देखो। हाँ, अरे वाह, इसके बाद तुम राजस्थानी डांस भी करोगे मुझे लगता है। घूमर वाला, घूमर 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 घूमियो, इधर आ जाओ। थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर जी, जिन्होंने इतना प्यारा कुर्ता भेजा। इसको पहन के लग रहा है कि मैं नंगा ही हूँ, मैंने कुछ पहना ही नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट है कि इतना प्यारा कपड़ा है, क्वालिटी इतनी अच्छी है। थैंक यू सो मच। हाँ मेरा बाबू, कितना प्यारा लग रहा है गले में। अरे भाई उधर देख लो, जलन का कोई ठिकाना नहीं है। चलो माफ कर दो, उसे भी दिवाली है आज। आप लोग दोनों बहने हो, आप भैया को भी काटते फिरते हो, उसको भी, वो भी आ गया, भैया भी आ गया। वो कैसी लग रही है घाघरा पहन के? मतलब ये तो तुम्हारी जैसी हो गई, घाघरा पहन के लड़ती है। तुम भी तो शूटिंग्स पे घाघरा पहन के लड़ती हो ना। तो जी अब हम बनाएंगे लक्ष्मी माता के पैर। तो जी ये बन गए लक्ष्मी माता के पैर। पूजा हो गई हमारी और अब लगाने लग गए हम लोग दिए। अब पता नहीं हवा के प्रभाव पे है कि दिए कितने जल पाएंगे। लास्ट टाइम तो बहुत बुझ रहे थे, लेकिन अभी देखते हैं जहाँ जहाँ लगा सकते हैं वहाँ लगाते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि गमलों के ना अंदर ही हम लोग दिए रख देंगे, क्योंकि बाहर तो रखने का मतलब नहीं है रहा, बाहर तो बुझ जाएंगे, उपाय नहीं है। अरे वाह, तुमने तीन उल्लू के अंदर दिए रख दिए, उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है। अरे हाँ, दोस्तों हमारी बहुत अच्छी पूजा हो गई। उसके बाद हमने दबा के मिठाई खा ली दोनों ने, दो दो कटोरे। अब ऐसी ने नींद सी आ रही है, तो सोच रहे खाना खा ले जल्दी से सोने से पहले। और देखो कुछ लोग आज भी पटाखे फोड़ रहे हैं। यार पटाखे मत फोड़ो यार, गलत बात है ये तो, बहुत गलत बात है। मतलब एक तो डॉग्स इतना डर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं हमारे पीछे पीछे, कोको दियो पे पैर रख रहा है वो बेचारे, घाघरा चोली पहन के डरे डरे घूम रहे हैं। तो अब हम लोग आपको मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, दैट इज टुमारो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। बेबी मेरा मुंह फुग्गा क्यों लगा एकदम से? नहीं नहीं अभी मिठाई भी खाई है ना, भूल गया होगा एकदम से, इतना इंस्टेंट। एक बार फिर से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। गाल फूला है सडन ना, यहाँ से ऐसा हो गया। आई बीन ईटिंग। अभी जबरदस्त मिठाई खाई ना तुमने, तुम्हारी भी खाई। और मेरी कटोरी से मेरे को खिलाने के बहाने ना, कि देखो मेरे अंदर कितना प्यार है। तुम एक चम्मच अपने मुँह में भी डाल ले रही थी ना, तो उसका फल तो मिलेगा। कर्मों की सजा मिल गई तुरंत।